नमस्कार दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर जिसे मध्य प्रदेश का कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। आज इंदौर नरेंद्र मोदी की नए नए स्कीम्स के तहत नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए कॉलेज, नए नए इंस्टीट्यूट, नए नए आईटी हब, नए नए सड़कें, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में इंदौर में बन रहा है। और इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ मिलाकर इंदौर को एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज के डेट में कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंदौर की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है इंदौर मेट्रो। मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के रूप में बनाया जा रहा है इंदौर मेट्रो। इंदौर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ साथ एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जिसे इंदौर सिटी की ट्रैफिक की समस्या लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मेट्रो आने से डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होगा, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होगा और नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। इंदौर मेट्रो को 94 किलोमीटर रूट के रूप में निर्माण किया जा रहा है जिसमें चार अलग अलग लाइन्स होगी, दो इस पर लाइन को भी बनाया जाना। पहली बार इंदौर मेट्रो को फेज वन का 2016 में ही स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 2018 में मंजूरी दिया जो कि 33.53 किलोमीटर के रूप में फेज वन का काम को अप्रूवल मिला और उसी वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुई। बताया जाता है कि 2023 एंड तक इसकी डेडलाइन दे रखी है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि 2023 तक यह बनकर तैयार होगा, मेरे अकॉर्डिंग 2025 से 2026 तक का समय लग सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इंदौर मेट्रो जो कि इंदौर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है वो कब तक बनकर तैयार होता है। यहाँ पे मैं छोटा सा एक लाइन ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको इंदौर मेट्रो से जुड़ी एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंदौर की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है इंदौर वेस्टर्न रिंग रोड प्रोजेक्ट। 55 किलोमीटर के रूप में प्रपोज्ड किया गया रिंग रोड 100 फुट चौड़ी सड़कों के रूप में NHAI द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। अगर मैं इस रिंग रोड की बात करूं तो इसे दो फेज में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाया जाना है। फेज वन के तहत 42 किलोमीटर और फेज टू के तहत 13 किलोमीटर का हिस्सा को विकसित किया जाएगा जिसके लिए सरकार 1400 करोड़ रुपए अलॉट किए। रिपोर्ट्स के अनुसार 55 किलोमीटर का यह रिंग रोड पीथमपुर से होते हुए AB रोड और AB रोड से मांगलिया के पास अर्जुन बरोड़ गाँव को कनेक्ट करेगी जिसमें टोटल 46 गाँव को शामिल किया गया। इस वेस्टर्न रिंग रोड न सिर्फ आवाजाही में सहूलियत होगी बल्कि सड़क किनारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाएगा, रियल इस्टेट में बूस्ट मिलेगा, शहर का एक्सपेंशन होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और हजारों लोगों को डायरेक्ट जॉब्स भी मिलेगी। कई सारे फायदे इस रिंग रोड बनने से। ऐसे में देखना होगा कि यह इंदौर का वेस्टर्न रिंग रोड कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं बता दूं कि इस पे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बारे में बात चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। इंदौर की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 768 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बुरहानपुर से होते हुए जलगांव, नांदेड़ और इंदौर से होते हुए हैदराबाद तक बनाया जाना। यह पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में निर्माण होगा जिसके लिए सरकार 7000 करोड़ रुपए अलॉट किए जिसे भारतमाला परियोजना के तहत NHAI के निगरानी में बनाया जाना। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे न सिर्फ एक्सप्रेसवे होगी बल्कि इसे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में भी विकसित किया जाएगा जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक शुरू होने की उम्मीद है और 2025 से 2026 तक बनाकर पूरा किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो कि इंदौर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है वो कब तक बनकर तैयार होता है, कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। इसके अलावा मैं सड़क परियोजना की बात करूं तो आज के डेट में इंदौर उज्जैन के बीच में एक 6 लेन एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर अहमदाबाद 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाना प्रस्तावित है। इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित है। ये सभी एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बनने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे, इकोनॉमी में बूस्ट होगा और कहीं ना कहीं शहर में डेवलपमेंट काफी तेजी से होगा। इंदौर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसा कि हाल में हमने देखा आज इंडियन रेलवे द्वारा चुन चुन कर धीरे धीरे सभी स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित कर रही है और अब उसी सूची में इंदौर का रेलवे स्टेशन भी शामिल हो गया। इंदौर का रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए जिसे एयरपोर्ट के तर्ज पर विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना जहाँ पे सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और सबके लिए यहाँ पे सुविधाएं होगी। अगर मैं इसकी अपडेट्स की बात करूं तो पता चलता है कि इसे प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में जल्द से जल्द विकसित किया जाना जिसका देखरेख IRSDC द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इंदौर जंक्शन जो कि आज के डेट में जैसा तैसा है, नॉर्मल स्टेशन की तरह है, वो कब तक एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित होती है। मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि आज के डेट में मध्य प्रदेश में
एक रेलवे स्टेशन जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, आज के डेट में वो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन बन गया है। वो पूरी तरह से एक एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित भी हो चुकी है। इंदौर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है मोहना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 के दौरान सरकार ने 108 हेक्टेयर जमीन पर इंदौर का तीसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि मोहना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी। उसके लिए सरकार तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए, जिसे एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में से विकसित किया जाना है। बताया जा रहा है कि मोहना इंडस्ट्रियल पार्क दूसरे इंडस्ट्रियल पार्क से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस पार्क में सभी तरह की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और चौड़ी चौड़ी सड़कें होगी। नहीं नहीं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डिपो, फर्नीचर क्लस्टर इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे कई सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे और हजारों लोग यहाँ पे डायरेक्ट जॉब्स मिलेगी और आसपास में रोजगार के और भी कई सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 16 बड़ी बड़ी कंपनियां द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा और इंदौर की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इंदौर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कान्हा रिवर फ्रंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता इंदौर सिटी, कान्हा रिवर एक चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि जो भी फैक्ट्री से, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल होती है वो कहीं ना कहीं कान्हा रिवर में ही बहाया जाता है, जो एक समस्या का विषय जरूर है। और इसी समस्या से निजात पाने के लिए इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कान्हा रिवर का एक रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया, जिसके तहत पूरे रिवर को साफ किया जाना है, रिवर फ्रंट को टूरिज्म के प्रोस्पेक्टस से डेवलप किया जाना। इस पूरे रिवर फ्रंट को दो अलग अलग फेज में मास्टर प्लान तैयार किया गया। फेज वन के तहत रामबाग ब्रिज से लेके कृष्णपुरा तक विकसित किया जाएगा। फेज टू के तहत जोहार मार्ग से गनमोर घाट तक विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कई सारी चीजों को बनाया जाना है, जैसे चिल्ड्रन पार्क, पार्किंग, टॉयलेट, आउटलेट्स, मार्केट, टैनिंग वॉल, बोट फैसिलिटी और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना है, जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर लेंथ में इस पूरे रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि इंदौर की यह खान रिवर जो कि आज के डेट में काफी पोल्यूटेड हो गया, वो कब तक इसकी रिवर फ्रंट डेवलप होती है, कब तक ये टूरिज्म फ्रेंडली बन पाती है। इसके अलावा भी आज इंदौर सिटी में सैकड़ों प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बट हाँ कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे वैभव नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इंदौर मैनहोल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंदौर एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट, इंदौर खांडवा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, एयर टैक्सी फ्रॉम इंदौर स्टेशन टू ज्योतिर्लिंग, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंदौर रीजन, इंदौर राघोगढ़ हाईवे प्रोजेक्ट इत्यादि पर चोरों शोरों से आज के डेट में काम चल रहे हैं। ऐसे में आप इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंदौर से जुड़ी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चला होगा। ऐसे में वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन दबा लें। अगर आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।